अब तक गांवों में फ्री मिलने वाली छाछ राबड़ी शहरों में बिकने लगी है। जी हां, सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीबो गरीब लगे, लेकिन ये सच है। चिलचिलाती धूप में गर्मी से राहत पाने के वर्षों पुराने इस नुस्खे को अब शहरों में गर्मी से बचने के लिए बड़े चाव से अपना रहे हैं। शहर के कच्चा बस स्टैंड के पास छाछ राबड़ी बेचने वाले रामचंद्र प्रजापत बताते हैं कि उनके यहाँ छाछ राबड़ी की अच्छी डिमांड रहती है और हर रोज वह 60 से 70 लीटर छाछ राबड़ी जितने गांव से लाते हैं वह दोपहर तक बेच देते हैं। प्रजापत बताते हैं कि गर्मी से बचने का छाछ राबड़ी देसी रामबाण उपाय है और उनके यहाँ दोपहर बाद आने वाले ग्राहकों को बेरंग ही लौटना पड़ता है। प्रजापत बताते हैं कि उनके इस काम में उनकी पत्नी भी सहयोग करती है और घर पर खाटे की चूल्हे पर राबड़ी बनाती है और फिर उसे वह ठंडा कर छाछ मिलाकर बेचते हैं। प्रजापत बताते हैं कि ग्राहकों की पसंद पर वह मिक्स छाछ राबड़ी और सिंगल छाछ और राबड़ी भी उपलब्ध करवाते हैं। छाछ राबड़ी बेचने वाले रामचंद्र प्रजापत बताते हैं कि जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखा रही है वैसे वैसे उनके यहाँ ग्राहकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में पहले जितनी घर पर तैयार होती छाछ लेकर आते थे तो अब उन्हें भी छाछ गांवों से इकट्ठी करनी पड़ती है। 2 साल से कर रहे हैं, डेली यूज लेते हैं, अच्छी चीज है और देसी चीज है। ये गर्मी के लायक है, गर्मी में लू नहीं लगती, इससे बाहर फिरते करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है। सेवन से गर्मी नहीं लगती। 5-6 साल से काम कर रहे हैं ये और लगभग 50-60 लीटर डेली बिक जाती है। और इसके फायदे ये हैं कि एक तो गर्मी नहीं लगती है, इसे लू नहीं लगती है और जिसके पथरी है पेट में वो पथरी भी छाछ से धीरे धीरे पंगल की खत्म हो जाती है। और ये काम हम दिन में राबड़ी का खाटे की बाजरा और मोट की ओल की छोड़ते हैं और शाम को ये बनाते हैं और रात भर इसको ठंडी करके दूसरे दिन इसको खाने के लिए काम में आती है। कई प्योर राबड़ी खाते हैं और कई छाछ और राबड़ी मिक्स में खाते हैं, कई प्योर छाछ लेते हैं। किसका? इसको हम 60 लीटर के लगभग रोज़ बनाते हैं और इसे 25 रुपये लीटर प्रति के भाव से बेचते हैं। तो रिस्पॉन्स इसका बढ़िया है, हमारी तो 2-3 बजे नहीं ये सड़ जाती है, ग्राहकों की पहुँचती नहीं आती है।